आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही खास टॉपिक है। ये महिलाओं की योनि में होने वाले जलन के बारे में है। इसको इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। कई महिलाएं योनि में जलन से काफ़ी परेशान रहती हैं। उन्हें पेशाब करते वक्त या फिर संबंध बनाते वक्त, इंटरकोर्स के वक्त काफ़ी जलन होता है और उन्हें बार बार पेशाब बूंद बूंद करके होता है या फिर योनि में हर वक्त भी जलन उन्हें होता रहता है। ये परेशानी से वो काफ़ी परेशान रहती है और इस पर खुल के बात करने में उन्हें हिचकिचाहट सी होती है। तो आइए हम इस पर बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुमन। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, योनि में जलन क्यों होता है, कब योनि में बहुत ज़्यादा जलन बढ़ जाता है। आइए हम लोग पहले बात करते हैं कि योनि में जलन होने के मेन इंपॉर्टेंट रीज़न क्या होते हैं। सबसे पहले तो अगर आपका बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, इनबैलेंस हो गया है, तो आप मीनोपोज की तरफ जा रही हैं, तो उस वक्त भी आपको योनि में जलन बहुत एक आम बात है, नॉर्मल सी बात है। इसके इस टाइम पे क्या होता है, बॉडी में योनि एस्ट्रोजन लेवल जो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो योनि के पास बिल्कुल एकदम सूखापन सा हो जाता है, लुब्रिकेंट वहाँ पे नहीं रहता है, नमी नहीं रहता, जिसके कारण योनि में जलन बहुत ज़्यादा आम हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट कारण है योनि में जलन का, अगर आप इंटरकोर्स करते हैं, इंटरकोर्स के वक्त अपने आप को वाजिना को नीचे से वॉश नहीं करते हैं, या फिर इंटरकोर्स के वक्त आप कॉन्डोम जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको सूट नहीं हो रहा है, तो इसके कारण भी वहाँ पे इरिटेशन हो सकता है, उसके कारण भी आपको काफ़ी ज़्यादा जलन हो सकता है। अगर आप कोई सेंटेड परफ्यूम या फिर सेंटेड कोई सॉप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर परफ्यूम के लिए या सेंट के लिए, तो फिर उसके वजह से भी आपको वहाँ पे एलर्जी हो सकती है, तो जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा जलन भी हो सकती है। एक और प्रॉब्लम है, अगर आप सेविंग करते हैं, वहाँ के बालों को आप हटाते हैं, सेविंग के वक्त आपने उल्टे तरफ से सेविंग को चलाया हो, या फिर आपने जो क्रीम सेविंग के लिए यूज़ किया हो उसका मटेरियल अच्छा नहीं है और वहाँ पे आपने यूज़ किया है, जिसके कारण वहाँ पे इन्फेक्शन या फिर एलर्जी भी हो सकता है, इसके कारण भी योनि में जलन होता है। एक और कारण है, अगर आपको यूटीआई है, यूटीआई आपको काफ़ी दिनों से है, आपको पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन, जलन, खुजली, तो उसके कारण भी योनि में जलन एक आम प्रॉब्लम हो गया है। अगर आप कॉटन की पैंटी नहीं पहनते हैं, अगर आप दूसरा कोई मटेरियल की पैंटी यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण भी आपको योनि में जलन रहना आम बात हो गया है। अगर आप योनि में कोई भी प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जिसके कारण वहाँ पे मटेरियल सूट नहीं हो रहा है, इरिटेशन काफ़ी हो रहा है, तो उसके कारण भी योनि में जलन रहना एक आम बात है। आपके पार्टनर ने अगर कॉन्डम यूज़ किया है तो कॉन्डम के अंदर भी लैटेक्स रहता है, जिसके कारण भी योनि में जलन हो सकता है, वो मटेरियल भी आपको सूट नहीं कर सकता है। अगर इंटरकोर्स के वक्त स्पर्म भी अंदर जाते हैं तो उसके कारण भी वहाँ पे जलन का प्रॉब्लम रहना, ये सेंसेशन रहना, ये भी एक आम बात है। तो कोई भी कारण से हो आपको, तो पहले उसको आपको ध्यान देना है कि किस कारण से आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है। आपके मल्टीपल पार्टनर हैं, आपने सेक्स मल्टीपल पार्टनर के साथ किया है, या फिर आप सेक्सुअली एक्टिव है, तो उस कारण भी ये प्रॉब्लम योनि में जलन होने का एक नॉर्मल प्रॉब्लम, उस समय भी ये आम हो जाता है। आपको अगर आपने प्रेगनेंसी के वक्त भी अगर आपको योनि में जलन है, तो उस वक्त भी ये प्रॉब्लम हार्मोन के कारण आपको रहता है, तो उस वक्त भी योनि में जलन हो सकता है। या फिर आपने आप बाथ टब में नहाती हैं, आपने हॉट बाथ लिया हो, आप बराबर हॉट गर्म पानी से नहाती हैं, तो वजीना के गर्म पानी के संपर्क में आने से उसमें हेल्दी बैक्टीरिया मर जाते हैं और अनहेल्दी बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रोथ हो जाते हैं, उसके कारण भी आपको वहाँ पे बराबर जलन रहने की शिकायत रह सकती है। आपको जलन किस टाइप से होती है, आपको सेक्स के टाइम पे जलन होती है, आपको सेक्स करने के पहले भी जलन होती रहती है, या फिर आपको यूरिन पास करने के टाइम पे जलन होती है। अगर आपको यूरिन के टाइम पे जलन होता है, या फिर आपको हर वक्त ईचिंग वहाँ पे मन करता है कि ईचिंग हो, या फिर मन करता है कि अंदर तक इंटरनल ईचिंग करें, आप अंदर तक खुजलाएँ उसको, कैसा मन करता है आपका, आपको यूरिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन फील होता है। आइए जानते हैं कि ये प्रॉब्लम कितने टाइप से हो सकता है, इस इन्फेक्शन को हम लोग किस टाइप से ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर इसको किस फंगल है, बैक्टीरियल है, ईस्ट है, किस टाइप में डिवाइड करेंगे आप। आइए हम लोग जानते हैं कि जो भी आपको ईचिंग है, जलन है, आपको योनि में जलन को हम लोग किस टाइप से ट्रीट करेंगे, या फिर उनको कौन से इन्फेक्शन में रखेंगे, कौन से कैटेगरी में रखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपकी कंप्लेंट के ऊपर, आपको कंप्लेंट क्या क्या है। आपको योनि में सिर्फ जलन हो रहा है, आपको सेक्स करने के टाइम पे पेन हो रहा है, इंटरकोर्स के टाइम काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, आपको वाइट डिस्चार्ज भी हो रहा है,
और फिर आपको वल्वा में ईचिंग हो रहा है, वल्वा में यानी कि योनि के फ्रंट साइड में आपको ईचिंग भी है, तो इसको हम लोग ईस्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, कैंडिडा का इन्फेक्शन इसको बोलते हैं। ये बड़ा ही कॉमन सा इन्फेक्शन है और ये दवा की कोर्स से ठीक भी हो जाता है। तो आपको आपकी कंप्लेन के ऊपर इन्फेक्शन डिसाइड होगा, तो आपको बताना है कि क्या इन्फेक्शन है आपको, इंटरकोर्स के वक्त पेन है, ईचिंग है, वल्वा के साइड ईचिंग है, या फिर वाटर डिस्चार्ज, वाटरी टाइप से डिस्चार्ज भी हो रहा है आपको, प्लेन वाटर डिस्चार्ज टाइप से हो रहा है। दूसरे इन्फेक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो वो बैक्टीरियल वेजिमेशिस होता है। इसमें आपको एकदम गंदा बदबूदार जैसे मछली का स्मेल आता है ना, वैसा आपको डिस्चार्ज में स्मेल आएगा, और वो डिस्चार्ज हो रहेगा एकदम ग्रीनिश ग्रीनिश टाइप से रहेगा, और आपको ईचिंग भी बहुत ज़्यादा होगा, ईचिंग भी हो सकता है और ग्रीनिश टाइप से, या फिर एकदम बदबूदार डिस्चार्ज होगा। तो ये आपको बैक्टीरियल है, इसका ट्रीटमेंट आप डॉक्टर के पास जाकर के आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ये सारे कंप्लेन है, फिर वो आपको ट्रीट करेंगे, आपको और आपके हस्बैंड दोनों को ट्रीटमेंट एक साथ शुरू कर सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड को वो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो फिर आपके थ्रू उनको हो जाएगा, या फिर आप ठीक होने के बाद भी दोबारा से आपको हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों को साथ में ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। एक और इन्फेक्शन होता है यूटीआई का इन्फेक्शन। अगर आपको बार बार पेशाब के टाइम में जलन हो रही है, या फिर रुक रुक के बूंद बूंद पेशाब हो रहा है, पेशाब के टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा है, जलन भी हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन एक फील हो रहा है, तो भी आपको इन्फेक्शन योनि में प्रॉब्लम हो सकती है। एक और प्रॉब्लम हो सकती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि आपने मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स किया है तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एसटीडी का प्रॉब्लम आप डॉक्टर के पास जाकर के बताएंगे तो वो आराम से आपको गायनेकोलॉजिस्ट को आपको मिलना है, बताना है, और ये प्रॉब्लम को हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो आगे जा करके ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको आपको स्टार्टिंग में ही क्योर करना है। तो आपका आपको जलन योनि में किस कारण है और कौन सा प्रॉब्लम है, जलन के साथ स्मेल है, जलन के साथ ईचिंग है, जलन के साथ आपको वाटर का डिस्चार्ज है, ग्रीनिस है, येलोइस है, वाइट है, क्या है, आपको अच्छे से पहले अपने आप को चेक करना है, अपने बॉडी को कैसा डिस्चार्ज हो रहा है, आपको इंटरनल ईचिंग हो रहा है, आपको इंटरनल एरिया में ईचिंग करने का मन कर रहा है, या फिर आपको ऊपर वल्वा के साइड ईचिंग हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आपको हल्के में नहीं लेना है, ये आराम से क्योर हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। आई होप कि योनि में जलन के बारे में ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और कौन से टाइप का इन्फेक्शन है ये जानकारी के बाद आप पता लगा लेंगे।